हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 साउंड एंड नॉइज को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बताया जा रहा है साउंड जो होता है वो एक सेंसेशन है हियरिंग का, ठीक है, मतलब सुनने का एक अनुभव है, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। तो जब कभी भी कोई चीज़ कंटिन्यूसली मूवमेंट में आता है, वाइब्रेशन का मतलब ही वही होता है कि कंटिन्यूस मूवमेंट किसी भी चीज़ का, तब फिर हम लोग को साउंड प्रोड्यूस होता है, किसी भी टाइप का साउंड, ठीक है। अ साउंड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस साउंड। तो जब कभी भी हम लोग गिटार बजाते हैं तो उसका जो स्ट्रिंग रहता है, जब उसको हम लोग मूव करते हैं तो एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं तब हम लोग का जो टंग है वो वाइब्रेट करता है और तब जाकर के साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। मतलब टंग जो होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है और तब जाकर के जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। जो क्लॉक रहता है वो भी अपना टिक टिक जो कंटिन्यूस मूवमेंट है जिसके कारण वो साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। तो बताया जा रहा है कि हम लोग डेली बेसिस पे कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड सुनते रहते हैं। हम लोग पंछियों के चहचहाट सुनते हैं, लीव्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं उनका खड़कना सुनते हैं, उसके बाद फिर नेचुरल थंडर साउंड जैसे होता है, जैसे कि बिजली कड़कती है वो सुनते हैं। तो ऐसा जो जो चीज़ जो नेचर के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे पंछियों का चहचहाना हो, लीव्स के द्वारा जो खड़खड़ाहट होता है वो हो, या फिर किसी भी तरीके का बिजली हो, वैसे साउंड्स को नेचुरल साउंड कहते हैं, ठीक है, जो नेचर से प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे रिंगिंग है डोरबेल का, जब हम लोग डोरबेल बजाते हैं वो वाला रिंग का जो साउंड है, जब हम लोग हॉर्न बजाते हैं वो वाला साउंड, और ऐसा साउंड जो कि मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे साउंड्स को आर्टिफिशियल साउंड बताया जाए। अब यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, ये जो पंछियाँ चहचहा रही है या फिर ये जो पत्ते आवाज़ कर रहे हैं ये नेचुरल साउंड है, और ये जो ब्लो हो रहा है यहाँ से साउंड, चाहे ड्रम से बन रहा है, ये सारा आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड तब प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में जब कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली मूव करे, जिसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन फिक्स अ स्ट्रिंग बिटवीन टू एंड्स एंड प्लग इट टू द सेंटर। अब बताया जा रहा है अगर आपको ऐसा देखना है कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है या वाइब्रेशन, पर्टिकुलरली वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बताया जा रहा है कि एक स्ट्रिंग लीजिए और उसको दो तरफ से बांध लीजिए और उसका जो बीच से है उसको आप ऐसे करके मूव कर दीजिए और तब आप लोग देख पाएंगे कि वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन जो होता है वो टू और फ्रो मूवमेंट में होता है। टू और फ्रो मतलब क्या होता है, आया गया वैसा वाला मूवमेंट में होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और यही सारे जो वाइब्रेशंस है वो हेल्प करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब आता है साउंड वेव्स, ठीक है। तो बताया जा रहा है साउंड जो होता है वो एक वेव में ट्रैवल करता है, मतलब लहर में ट्रैवल करता है, ठीक है। और इसमें दिखाया जा रहा है ये पूरा पिक्चर, देखिए। अब जैसे हम लोग जब किसी ओशियन के पास या फिर कोई नदी तालाब के पास जाए तो हम लोग देखते हैं कि एक बार कोई लहर उठता है फिर नीचे जाता है, फिर उठता है फिर नीचे जाता है। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउंड भी जो है वो कुछ इसी तरीके से मूव करता है। अब इसका कुछ लॉजिकल मतलब कुछ टर्म्स हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है क्रेस्ट। तो बताया जा रहा है जो हाइएस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का उसको क्रेस्ट बोलते हैं। द्रो, तो इसमें बताया जा रहा है जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वेव का उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है वेवलेंथ। तो जब दो डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा हो जो कि मतलब अगल बगल वाले क्रेस्ट हो, उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। अब बताया जा रहा है एम्पलीट्यूड। तो जो हाइट होता है क्रेस्ट का और जो डेप्थ होता है द्रो का, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेशन मतलब भी वाइब्रेशन ही होता है, ठीक है। ऑसिलेशन भी मतलब एक टाइप का वाइब्रेशन ही है आपके क्लास के लेवल से, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ होता है, कितना बार प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकेंड में, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड होते हैं हमारे डेली बेसिस पे, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो कि बहुत लाउड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा लगता है सुनने में, और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं लगता है। कुछ साउंड जो होते हैं बहुत तीखे टाइप के होते हैं, अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, डिसेंट टाइप के होते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा है, जिनमें जान है, उनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो पढ़ते हैं। तो प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है कि प्लांट्स जब एक दूसरे से टकराते हैं और तब जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, जब एयर ब्लो करता है वो अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। जब टहनियाँ हो या ब्रांचेज हो या फ्रूट होते हैं, जब टूट के गिरते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। जब एनिमल और बर्ड्स अपने कहीं जा रहे होते हैं या फिर लीव्स या ब्रांचेस पे जाते हैं, तब फिर वहाँ पे अलग टाइप का साउंड होता है। एनिमल के बारे में बताया जा रहा है, एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड बनाते प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं वो वोकल कॉर्ड, मतलब हमारे गले के पास एक वोकल कॉर्ड होता है, उसी से साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
साउंड्स जो होता है उनका प्रोड्यूस किया जाता है वोकल कॉर्ड से। जैसे एग्जांपल में बताया जा रहा है कि जो बजिंग होता है, जो मधुमक्खियों का भनभनाना होता है, या पंछियों का चहचहाना, या फिर स्नेक्स का फुफकार मारना, या फिर काउ का मोइंग करना, ये सारा चीज़ जो होता है ये वोकल कॉर्ड से ही हो रहा होता है। ठीक है, बर्ड के बारे में बताया जा रहा है। बर्ड्स जो है वो अपना जो चहचहाती है वो साइरेंस के हेल्प से करती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज के हेल्प से करती है, जो कि उनके विंड पाइप में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बी जो बज करती है, या बर्ड जो चिर्प करते हैं, स्नेक हिस करते हैं, और काउ मू करती है, सारा चीज़ वोकल कॉर्ड से ही होता है। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने जो विंग्स होते हैं उसको फ्लैप करके ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या बताया जा रहा है पढ़ लेते हैं। तो बताया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के पास वॉइस बॉक्स होता है, जिसके जहाँ पे पेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करते हैं और तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब इसमें इनमें जब विद द एयर पासिंग थ्रू द लैरिंग्स, मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है जब इस वोकल कॉर्ड में जो एयर है वो लैरिंग्स के थ्रू पास करता है। ठीक है, द मसल्स अराउंड में स्ट्रेच और लूजन द मेम्ब्रेन्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। तो बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेचेबल होता है, हो सकता है ये स्ट्रेच हो किया जाए या फिर लूज हो जाए, और तब जाकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस हो। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं वॉइस बॉक्स का। ठीक है, आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड। तो पहला है सॉफ्ट और लाउड साउंड। तो सॉफ्ट साउंड वो होता है जिसका जो एम्पलीट्यूड हो वो कम हो, जो सॉफ्ट हो और सुनने में अच्छा लग रहा हो। ठीक है, ऐसे साउंड जो कि सुनने में अच्छे लग रहे हो, जो मतलब धीरे धीरे से चल रहे हो या डिसेंट अमाउंट से वो सुनने में आ रहे हो, वैसे साउंड्स को लाउड सॉफ्ट साउंड बोलते हैं। लाउड साउंड वो होते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जो कि लाउड होते हैं, हार्श होते हैं ईयर्स के लिए, मतलब उनको ज़्यादा समय तक सुनने के लिए हमें रिफर नहीं किया जाता है, वैसे साउंड्स को लाउड साउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो लड़का लड़की है, ये लड़का इसके कान में कुछ बोल रहा है, ये विस्परिंग है कर रहा है, ये डिसेंट साउंड होता है। लेकिन वही जब रॉकेट जब जा रहा होता है तो वो लाउड साउंड की गिनती में आता है। डीजे जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे कानों को भी प्रॉब्लम में ला सकता है। अब आता है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। तो प्लीजेंट साउंड्स वो हैं जो हमारे कानों को सुनने में अच्छे लगते हैं, ठीक है, और वो एक रिदमिक तरीके से बज रहे होते हैं, तो वैसे साउंड्स को सुनने में अच्छा लग रहा है। अनप्लीजेंट साउंड्स वो होते हैं जो कि हमारे कान में जाने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और ये रिदमिक भी नहीं होते हैं। जैसे ये म्यूजिकल साउंड जो है ये अच्छा है, और वही जब ड्रिलिंग मशीन का होता है तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। श्रिल साउंड, तो मतलब तीखा आवाज़, तो ऐसा साउंड जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हाइयर लेवल पे है, वैसे को श्रिल साउंड बोलते हैं, मतलब तीखा आवाज़ बोलते हैं। फ्लैट साउंड उसको बोला जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी कम है, और ऐसे को फ्लैट साउंड। जैसे घुंघरू का जो आवाज़ रहता है वो श्रिल साउंड की गिनती में आता है। फिर ड्रम्स जो प्रोड्यूस करता है उसको फ्लैट साउंड बोलते हैं। अब आता है वार्निंग साउंड। तो कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि सिग्नल देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि किसी इन्फॉर्म किया जा सके ऐसे कुछ इवेंट के बारे में जो कि डिजास्ट्रस हो सकता है या फिर वार्निंग टाइप का हो सकता है। ठीक है, ऐसे साउंड्स को वार्निंग साउंड बोलते हैं। जैसे फायर अलार्म, जब आग लगती है तब जो आवाज़ आता है, या फिर जब फायर ब्रिगेड आ रहा होता है तो जो आवाज़ आ रहा होता है, वो ऐसे साउंड्स को फायर अलार्म बोलते हैं। एम्बुलेंस का जो साइरन होता है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन को दिखा रहा होता है, उसको भी वार्निंग साउंड की गिनती में बोला जाता है। इवैक्यूएट बिल्डिंग, तो ऐसा साउंड जब मतलब बजाया जाता है जब कभी भी किसी बिल्डिंग को खाली करना हो, कुछ डेंजर सिचुएशन आ गया, उसको भी इमरजेंसी सिचुएशन में या वार्निंग सिचुएशन में ही रखा जाता है। अब फिर आता है टॉर्नेडो वार्निंग साइरन। तो जब टॉर्नेडो आने वाला होता है तब जो साउंड बजता है वो भी वार्निंग साउंड ही है। अब आता है नॉइज। ठीक है, साउंड विच इज़ लाउड एंड अनप्लीजेंट आर कॉल्ड नॉइज। तो मतलब ऐसा साउंड जो कि हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे को नॉइज़ बोलते हैं। ऐसा नॉइज तब प्रोड्यूस होता है जब स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है, जो कि हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत लाउड साउंड होता है जो कि हमारे कानों को परमानेंट डेफनेस में भी पहुंचा सकता है, मतलब बहरा भी बना सकता है। अब सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा होता है वो कैसे होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स होता है, मतलब गाड़ी घोड़ा होता है, हॉर्न्स होता है, लाउड स्पीकर्स, रेडियोज, टीवीज, मशीन्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर, हूटर्स, ट्रेन्स, बस्टिंग ऑफ कैकर। तो ये सारा जो साउंड्स है जो कि इन सारी चीज़ों से बनता है वो सब नॉइज़ पॉल्यूशन ही पहुँचाता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाउड साउंड। तो लाउड साउंड नॉइज़ जो होता है वो हमारे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डैमेज तो करता ही है। हो सकता है कि हमारा जो हियरिंग है, सुनने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, राइटिंग लिखने की क्षमता है, थिंकिंग का क्षमता है,
ये सारे को अफेक्ट करे, या फिर हो सकता है हमें सिर दर्द हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, शॉर्ट मेमोरी लॉस हो जाए, या फिर शॉर्ट मेमोरी ही हो जाए, या फिर नसों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कैसे हम लोग नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? तो हम लोगों को जो है टेलीविजन हो या रेडियो हो या म्यूजिक प्लेयर हो, उसको थोड़ा कम वॉइस में बजाना चाहिए, इतना भी बजाना चाहिए जितना हम लोग को सुनाई देते। जब भी हम लोग को हॉर्न बजाने की ज़रूरत ना हो तब ना बजाएं, जब ज़रूरत हो तभी बजाएं गाड़ी घोड़े में, ठीक है। लाउड स्पीकर जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। डीजे जो होता है वो थोड़े कम पीरियड के लिए ही बजाना चाहिए। जो मशीन्स के द्वारा जो बन रहा है उसको कम करना चाहिए, ठीक है। हमें मशीन्स में प्रॉपर लुब्रिकेशन कराना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से उसका सर्विसिंग करवाना चाहिए ताकि उसमें कम साउंड प्रोड्यूस हो जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन में हाथ बटाए, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करना चाहिए रोड साइड पे, और ऐसी तरीके से हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।